नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। आप देख रहे हैं रणभूमि। पाकिस्तान ने एक बार फिर वही दुस्साहस किया है, लेकिन क्या पाकिस्तान को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा? जिस दिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने वाले थे, उसी दिन उनके शपथ ग्रहण से एक घंटे पहले जम्मू और कश्मीर के रियासी में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं से भरी एक बस को जानबूझकर निशाना बनाया। पाकिस्तान के हाथ होने के बाद जम्मू और कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने साफ तौर पर कह दी है, उन आतंकवादियों ने शिवखोड़ी से कटरा जा रही श्रद्धालुओं की बस को निशाना बनाया। सबसे पहले ड्राइवर को गोली मारी, जिसके बाद बेकाबू बस खाई में जा गिरी। इसके बाद आतंकवादी वहां रुके नहीं, उन्होंने वहां गोलियों की बौछार कर दी। गोलियों की बौछार उस बस पर, हिंदू यात्रियों से भरी वो बस जो गिर गई थी खड्ड में, उस पर 50 से ज्यादा गोलियां मारी गई। कुछ देर बाद आतंकी वहां से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से मृतकों को और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। भारत ने शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के सिवाय पड़ोसी देशों को सभी को न्योता दिया था। पाकिस्तान को न्योता न देना बिल्कुल सही वजह है, यही काम है पाकिस्तान का, और यह पहली बार पाकिस्तान ने नहीं किया है। 2014 में भी जब नरेंद्र मोदी पहली बार शपथ लेने वाले थे तो अफगानिस्तान में भारत के वाणिज्य दूतावास को यानी कॉन्सुलेट को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान लगातार यह संदेश दे रहा है कि पाकिस्तान से आतंकवाद नहीं रुकेगा। आपको इस हमले के पीछे की पूरी साजिश बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रियासी पुलिस यानी जम्मू और कश्मीर पुलिस ने कल के हमले के सिलसिले में 4 लोगों को इस समय पूछताछ के लिए बुला लिया है। इनसे कल हुए आतंकी हमले को लेकर पूछताछ की जा रही है। जम्मू और कश्मीर के डीजीपी ने कहा है कि इस हमले में 3 से 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ साथ एक स्थानीय के होने का भी शक है। ये स्थानीय कौन है, उसने किस तरह से इन आतंकवादियों की मदद की, उसकी जांच भी की जा रही है। M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया इन आतंकवादियों ने, इस बस की टोहली, इस तरह की इनपुट्स भी इस समय आ रही हैं। बस का पीछा किया, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। और जम्मू और कश्मीर के रियासी में जो आतंकी हमला हुआ है, इसकी जांच की जिम्मेदारी अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई है, यानी NIA अब इसकी जांच करेगा। जम्मू के पास ये रियासी का इलाका है। हम आपको वो रूट दिखाते हैं, श्रद्धालुओं को लेकर ये बस जा रही थी। ये श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद कटरा से शिवखोड़ी पहुंचे थे। वहां गुफा में शिवलिंग है, एक टूरिस्ट सर्किट, एक रिलीजियस पिलग्रिमेज का यानी धार्मिक पर्यटन का एक बकायदा एक टूर बनता है। तो आप मां वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं, आप शिवखोड़ी जाके यहां पर शिवलिंग के दर्शन करते हैं। उस दर्शन के बाद 4 बजे कटरा के लिए इस बस को फिर रवाना होना था, लेकिन जरा गौर से देखिए, शिवखोड़ी गुफा मंदिर में 5:30 बजे बस वहां से चली। क्यों? 4 बजे समय था, 1.5 घंटे की प्रतीक्षा आखिर क्यों कराई गई? ये लगभग 46 किलोमीटर का लंबा इलाका है, अगर बस समय पर चलती तो संभवतः आतंकवादी निशाना नहीं बना पाते, लेकिन क्या जानबूझकर इस बस को रोका गया? खबर यह भी है कि आतंकी एक जीप से बस का पीछा कर रहे थे। हालांकि इस बात की औपचारिक पुष्टि अभी पुलिस ने नहीं की है, पुलिस ये कह रही है यह जांच के दायरे में है। जांच एजेंसियों को इन तमाम पहलुओं पर गौर इस समय वो कर रहे हैं। इस बीच हम आपको सुनाते हैं कि बस के ड्राइवर के रिश्तेदार ने क्या बयान दिया, आतंकवादियों की किस तरह की प्लानिंग थी, वहां के दुकानदार किस तरह की बात कर रहे हैं, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। उनकी कैजुअल्टी हो गई सर, बहुत बुरी तरह से उनको बेचारे को एक गोली सिर में लगी हुई है, एक उनको इधर से उन्होंने लॉन्चर मारा हुआ है, ये उनका जो पूरा उड़ गया है, पूरा नीचे वाला हिस्सा, अंतड़ियां बाहर आ गई हैं। तो उन्होंने पहले टारगेट ही ड्राइवर को किया, कि ड्राइवर को टारगेट किया, फिर वो गिर गए, तो उसकी वजह से गाड़ी गिर गई, फिर भी वो गोली चलाते रहे, बहुत बुरी हालत है उनके बेचारों की।